बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछला ब्लॉग आपने बहुत पसंद किया, लगता है कि आप सबको कराची देखने का बहुत इंतज़ार है। तो जी, कराची में ना सिर्फ हमने घूमना फिरना है बल्कि हमने खाना पीना भी है। कराची में बहुत सारे नए मज़ेदार से रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, उसमें से एक है जेंडर्स। जेंडर्स के लिए हमने एक दफ़ा चक्कर लगाया, इतना फुल था वीकेंड पे कि हमें बिल्कुल अंदर बैठने का मौका नहीं मिला। तो जी, हम आज वीकडे पे आए हैं लंच पे, और जेंडर्स जो है वो शहीद मिल्लत रोड पे है। और मुझे बहुत हैरत हुई कि शहीद मिल्लत रोड जो है वो एक तरह से पूरी फूड स्ट्रीट बन गई है, मगर उसमें जो है वो बड़ी फाइन डाइनिंग है और बड़े ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे इस रोड पे मैंने दो रेस्टोरेंट्स ट्राई किए, उनमें से एक है जेंडर्स, और जेंडर्स का मेन्यू आपके सामने है जिससे आपको इसकी प्राइसेस का अंदाज़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये हमारे टिपिकल देसी खानों से डिफरेंट खाने सर्व करते हैं, और अमूमन ऐसे खाने ट्राई करना जो है वो मुझे काफ़ी ख़तरनाक लगता है, क्योंकि या तो ये अच्छे होते हैं या ये अच्छे नहीं होते। लेकिन इसकी तारीफ़ बहुत सुनी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई करें, और मेरी तरफ़ से आपको भी एक रिव्यू मिल जाएगा। और हमने मंगवाया था कॉप सैलेड, और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा कॉप सैलेड था, मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा पूरा उतरा। और जी, हमने सूप और सैलेड जो है वो एपेटाइज़र्स में ऑर्डर किया था। मेन कोर्स में स्टेक्स थे, और स्टेक्स के अलावा मिनी बर्गर्स थे, ट्रियो बर्गर थे, थ्री डिफरेंट तरह के बर्गर, और पास्ता था और सी फूड पास्ता था। तो जी, इसके अलावा पिज़्ज़ा हमने दो तरह का ऑर्डर किया था। ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सूप से लेकर डिज़र्ट तक हर चीज़ ज़बरदस्त थी, मज़ेदार थी। और मेरे ख़्याल में मैं किसी भी चीज़ को जो है वो 10 में से 9 से कम नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि जितना भी आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं अच्छा खाने के बारे में, वो सब एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जाके पूरी हुई। तो ओवरऑल जो है वो बड़ा अच्छा खाना था, और इनका मेन्यू भी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी वैरायटी है, और हर चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में ये अच्छी ही बनाते हैं। तो इनके कोई स्पेशलिटी है तो वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने पहली दफ़ा ट्राई किया था, और हमने रैंडमली जो जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो सब की सब मज़ेदार थी और अच्छी थी। बाकी मैंने पाकिस्तान के इस ट्रिप से ये ज़रूर सीखा है कि अगर आप 6 से 7 लोगों की फ़ैमिली हैं और आपने कहीं पे भी जाके फाइन डाइन करना है, उसमें बेवरेजेस भी लेनी है, उसमें डिज़र्ट भी लेना है, तो आराम से आपका बिल जो है वो 10 से 11 हज़ार रुपये का बनेगा ही बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि जब भी आपने बाहर घूमने के लिए निकलना है, अपना रूट प्लान करके निकलना है। जिस तरह का रश हो गया है, चाहे कराची है चाहे लाहौर है, आप एक कोने में एक जगह और दूसरे कोने में दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, क्योंकि सारा टाइम जो है वो आपका ट्रैवलिंग में ही खर्च हो जाएगा। तो जी, शहीद मिल्लत के बिल्कुल करीब ही कायदे आज़म के मज़ार के पास जो है वो है TDF घर, और हम जा रहे हैं वो देखने के लिए। TDF घर एक ऐसी जगह है जो आपके लिए आपके सोच से ज़्यादा डिफरेंट होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 1930s का हनीफा हाजियानी जी का ये घर है जिसको रिस्टोर किया गया है, और ये अपने ओरिजिनल टाइल्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसको जो है वो रेनोवेट करके इसको बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, कि यहाँ पर आके बच्चे जो हैं वो इसको ओपन लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते हैं, लर्निंग स्पेस की तरह यूज़ करते हैं, या फिर आप हमारी तरह जैसे हम इधर घूमने और देखने के लिए गए थे, वैसे वहाँ पे जाके जो है वो अपने पास्ट को और अपने कल्चर को और अपनी हिस्ट्री को रिलिव कर सकते हैं। यकीन कीजिए, इतनी प्यारी जगह है। हालांकि किसी का घर है और आपको किसी के घर में जाके जिसे आप जानते पहचानते नहीं हैं तो क्या फ़ील होगा, लेकिन इस घर की एक बहुत मज़ेदार फीलिंग है, और वो फीलिंग है आपकी नानी अम्मा के घर वाली फीलिंग, आपकी दादी अम्मा के घर वाली फीलिंग। चाहे आपकी नानी का घर जो है वो छोटा था या बड़ा था, कराची में था, लाहौर में था, पंजाब में था, बलूचिस्तान में था, जहाँ मर्जी था, उस घर के साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी वाइब अटैच्ड होती है, उसकी एक अलग ही तरह की फील होती है। वो घर जो है वो आपके बचपन की याद होता है। तो जी, ये घर भी बिल्कुल वैसा ही एक घर है जिसमें उस घर के रिहायशियों की इस्तेमाल की चीज़ें, उस ज़माने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, वैसा फर्नीचर, वैसे टाइल्स, वैसी कंस्ट्रक्शन, जब आप जाते हैं तो किसी ना किसी चीज़ को देख के आपको अपने माजी से कोई चीज़ याद आ जाती है। भाई, अपने किसी चचा के घर में आपने ऐसा ग्रामोफोन देखा था, अपनी किसी खाला की अम्मी के घर या खाला की किसी रिश्तेदार के घर आपने ऐसी सीढ़ियाँ देखी थी, ऐसी कुर्सियाँ तो आपकी दादी के घर थी। मतलब हर चीज़
आपको कुछ ना कुछ पास्ट का जो है वो याद कराती है। जैसे कि ये ड्रेसिंग टेबल मुझे अपनी सास की ड्रेसिंग टेबल को याद कराती है। उनके पास बहुत ही खूबसूरत उनके जहेज़ की ड्रेसिंग टेबल है, कौन से ज़माने की। तो जी ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अपने कल्चर से, अपनी रूट से, अपनी हिस्ट्री से जो है वो जोड़ के रखती हैं, और आपको ये भी याद कराती हैं कि कराची असल में कैसा होता था, कराची के रहने वाले लोग कैसे होते थे। तो दाऊद फाउंडेशन के अंडर ये काम किया गया है, और इस पुराने से घर को आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ओपन कर दिया गया है। आप यकीन करें मेरे बच्चों को इसमें क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन यकीन करें वो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, उन्हें ये घर इतना पसंद आया, ये खिड़कियाँ, दरवाज़े और बड़े बड़े से दरख्त, हर चीज़ जो है इतनी अपनायत भरी थी कि मैं हैरान ही हूँ। और अभी भी मैं जितनी दफ़ा इस घर के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल खुश सा हो जाता है। हालांकि ज़ाहिर है जो इस घर के ओनर्स हैं ना, उनसे आपका कोई ताल्लुक ना मेरा कोई ताल्लुक, मगर शायद वो आपके माजी की एक जो पहचान है ना, वो इस घर के साथ आपको किसी ना किसी तरह से जोड़ देती है। तो अगर आप कराची में रहते हैं तो आपने मेरे सजेशन पे, मेरे रिकमेंडेशन पे इस घर को ज़रूर 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 विज़िट करना है। मुझे ऐसा लगता था कि हम यहाँ पे जाएंगे और 15 मिनट में यहाँ से भागेंगे, क्योंकि या तो ये म्यूज़ियम है या पता नहीं क्या चीज़ है, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में भी क्या इंटरेस्ट होगा। मगर आप यकीन करें ये इतनी कोई मज़ेदार जगह है, और हर कोना जो है वो ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक पूरा एरिया बनाया हुआ है जिसमें आप रीलिव द पास्ट कर सकते हैं। जाइए वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, आप पुराने फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह तैयार होकर जो है वो गाने गा सकते हैं और अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। हम उस एरिया में तो नहीं गए, लेकिन ये सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है इसमें बच्चे बैठ के जो है वो पढ़ रहे थे, जो कि यानी कि एक लर्निंग स्पेस की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक वॉशरूम बनाया गया है जिसे मैं देखने गई तो मॉडर्न स्टाइल का वॉशरूम है, डेफिनेटली आजकल के इस्तेमाल के लिए इसको बनाया गया है, पुराने बर्तन रखे हुए हैं। आप इस घर के दरवाज़े, खिड़कियाँ, फर्नीचर, इसका फर्श, इन सब चीज़ों को देखें, किस कदर मज़ेदार जगह है। और अब हम जा रहे हैं रूफटॉप पे, और रूफटॉप पे जाके इस कदर हसीन मंज़र था कि मैं तो दम पर खुद रह गई। यहाँ पर जो है वो बच्चों के बैठने की जगह है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, आप चाहे तो यहाँ पढ़ लें, चाहे तो ऑर्डर करके कुछ खा सकते हैं। बड़ी सी छत है जो कि एक टिपिकल किसी भी घर की छत होती है, उसको बड़ा अच्छा सा तैयार करके और फूल पौधे लगाए हुए हैं, और सामने आपको कायदे आज़म के मज़ार की जो है वो हिस्ट्री लिखी हुई नज़र आती है कि ये किस तरह से बना और कितने दिनों में बना, और सामने ही आपको क्या नज़र आता है, कायदे आज़म का मज़ार। भाई कायदे आज़म से तो एक अजीब सी एसोसिएशन है, एक अजीब सी मोहब्बत है, इश्क है पाकिस्तानियों को। तो ये आपके सामने ग्रीन लाइन बस चल रही है और उसके पीछे जो है वो मज़ार कायद नज़र आ रहा है। इस छत से खड़े होके आप कराची की पूरी फुल वाइब फील कर सकते हैं। ये कराची है, ये हमारा कराची है, ये हमारा प्यारा कराची है। इस घर में एंटर होने की बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसमें भी बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे चीज़ें अवेलेबल हैं। घर जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल है, यानी कि अपना ख़र्चा जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से निकालता है। तो आप यहाँ पे जाके कुछ खाएं पिएंगे तो इसी घर की अपकीप के लिए, इसकी रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इस घर को रिटेन करके कराची की हिस्ट्री और हेरिटेज को रिटेन किया गया है। दाऊद फाउंडेशन ने इसको रिस्टोर किया है, रेनोवेट किया है और इसको ओपन टू पब्लिक किया है एक एम के साथ, ताकि यहाँ पे आप प्रमोट कर सकें इनफॉर्मल लर्निंग स्पेसेस इन कराची। कराची में लोगों के बैठने की, मिलने की जगह बहुत कम हो गई हैं और आप हर जगह पे जाके रेस्टोरेंट की तरह नहीं बैठ सकते, फाइन डाइनिंग नहीं कर सकते, हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ पर आके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में पढ़ने की इनफ जगह नहीं है तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आने से जो है वो एक और चीज़ को बड़ा फ़र्क मिलता है, वो है पीस और हारमोनी। आप यहाँ पे आके डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, इनक्रेज करते हैं दूसरे लोगों को देख के कि जी ये कल्चर या ये ज़बान या ये कम्युनिटी या ये एथनीसिटी जो है ये सब भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम सब एक जगह पे बैठ के और मज़ेदार तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही तमीज़दार जगह है, मुझे बहुत पसंद आई है। कोई शोर नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, पीसफुल और हारमोनियस जगह है। यहाँ पर आएँ, आके इंजॉय करें, बैठें, पढ़ें, मिलना है अपने दोस्तों से तो मिलें, और या फिर छत पे जाके कायदे आज़म को सलाम करें और उस व्यू को भी इंजॉय करें। वक्त जिस तरह से जल्दी से तब्दील हो रहा है उसी तरह से हमारी सोचें भी तब्दील हो रही हैं। हमारे घर में एक पुराना तख्त होता था और वो यकीन माने मुझे इतना बुरा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजर रही है और वक्त भी आपको जो है वो अकल और समझ और शऊर देता जा रहा है तो एहसास होता है कि पुरानी चीज़ों में एक अपनी ही तरह की खूबसूरती होती है और आप उनको प्यार से रखें, संभाल के रखें, संवार के रखें तो जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तब तक वो अच्छी ही लगेंगी। तो अगर आपके घर में भी कोई पुराना फर्नीचर है, कोई पुराना बर्तन है, कोई पुरानी ऐसी चीज़ है जिससे आपके बचपन की अटैचमेंट है, आपकी माजी की कोई बहुत खूबसूरत सी याद जुड़ी हुई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर उसका बताइएगा या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे उसकी तस्वीर भेजिएगा, मैं अपनी स्टोरीज़ में उसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलें जी, अब यहाँ से बाय बाय करने का, अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम हो गया है, लेकिन तफरी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है। मगरिब पढ़ के हम यहाँ से निकले हैं और अब हम जाएंगे बिल्कुल इसके पास ही, बहुत दूर नहीं जाना क्योंकि रश बहुत है, दोहरा जी। और दोहरा जी जो है वो तो मैं हैरान हो गई कि ये भी एक पूरी फूड स्ट्रीट बन गई है। जिस ज़माने में हम यहाँ आते थे ठेले खड़े होते थे राउंड अबाउट के पास और यहाँ से हम खाते थे गोला गंडा। चूँकि अब हमें एक महीने से ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में तो हम बहुत अच्छी तरह से जो है वो गोला गंडा खाना अफोर्ड कर सकते हैं। जिस दिन से आए हैं उस दिन से बच्चे गोला गंडा खाना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है स्टमक इश्यूज़ कहीं पे भी हो जाते हैं, तो इसलिए हमने पूरा एक महीना इस बात का इंतज़ार किया है और आज हम पहुँचे हैं गोला गंडा खाने। ये जो प्यारे से मोची बाबा आपने देखे, हमने एक गोला गंडा इनको भी लेके दिया और इन्होंने भी बहुत शौक से और मज़े से खाया। बेचारे हैरान ही हो गए कि मुझे खाने के लिए क्या दे रहे हैं। तो जी, गोले गंडे का साइज़ जो है वो हमारे बचपन के गोला गंडे से डबल और ट्रिपल साइज़ का था, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया गोला गंडा को। और अगर आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया है तो आपने मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को आसानियाँ दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको भी आसानी दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।